वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स. आज हमारा सब्जेक्ट होगा आईडी, हाउ टू यूज आईडी इन एचटीएमएल वेब पेज, यूज ऑफ आईडी एचटीएमएल वेब पेजेज. तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू यूज क्लास इन आवर एचटीएमएल पेज अकॉर्डिंग टू स्टाइल. ओके, तो आज हम इस चीज को डिलीट कर देते हैं. पिछला हम लोगों ने क्या सीखा था, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं आपको. पिछला आपने ये सब चीज सीखा था कैसे इस चीज को बनाते हैं. अब मैं आपको ये बताऊंगा. कैसे हम आईडी यूज करेंगे, ठीक है, कैसे आईडी यूज करते हैं. तो बिल्कुल जैसे आपने क्लास का यूज किया था वैसे ही आप आईडी का भी यूज कर सकते हैं. बस थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है और वो चेंजिंग क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले मैं इस चीज़ को डिलीट कर दूँ और फिर तब मैं आपको यहाँ राइट करके दिखाता हूँ कैसे हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे. ओके, मैंने सेव किया. अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ. आप बिल्कुल देखो सिंपल टेक्स्ट आपका दिख रहा है, ठीक है. अब हमको इसमें एक आईडी बनानी है. तो इस यहाँ पे स्टाइल लेंगे, स्टार्ट टैग और एंड टैग, ठीक है, क्लोज टैग. और यहाँ पे हम हैज सिंबल का यूज़ करते हैं, हैज, ठीक है. और फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा माय आईडी, इसका नाम ही माय आईडी देता हूँ. और फिर मैं इसमें कुछ कोड राइट करूँगा और इस कोड में मैं दे देता हूँ कलर. मैं सॉरी कलर और फिर मैं लिख देता हूँ ब्लू, ठीक है. अब मैं देखता हूँ ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे भी हमको लिखना है यही चीज़. तो हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो आईडी के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं क्या, ये देखो आईडी यहाँ पे आपको लिख देना. जैसे उसमें आपने क्लास यूज किया था तो आपको यहाँ पे लिखना है आईडी. और आईडी क्या बनाया है आपने, ये लिखा है माय आईडी. तो इसका नाम आप यहाँ लिख दीजिए माय आईडी, ठीक है, सिंपल. आप रिजल्ट देखते हैं क्या हुआ, अप्लाई हुआ नहीं हुआ. ये देखिए ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है. अभी क्या करते हैं, एक इसमें थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं. इसका हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, इसका हम देते हैं बैकग्राउंड कलर. और फिर मैं इसको दे देता हूं टोमेटो. ये देखिए बैकग्राउंड कलर भी हमारा सेट हो गया. अब आईडी मैंने एक जगह लगाया लेकिन ये काम हो रहा है, मैं काम यहां कर रहा हूं, हमें यहां लिखने की जरूरत नहीं है. एक बार मैंने आईडी लगा दिया और फिर ये काम हो रहा है. फिर उसके बाद से मैं लिख देता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर. अभी यहां लिखा मैंने, रिजल्ट देखते हैं क्या हुआ. अभी यहां देखो रिजल्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया. ये अच्छा नहीं लग रहा हमको, तो इस कलर को मैं क्या कर दूंगा, ब्लू को व्हाइट कर दूंगा, शायद और अच्छा लगे. आप जो कुछ भी चाहते हैं आप उसको सेट कर सकते हैं, आप उसको सेट कर सकते हैं. मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखिए ये कलर चेंज हो गया, ठीक है. अगर आपको इसी तरह से एक और आईडी में बनाता हूं और इस आईडी को मैं, ठीक है, अभी इसको हम लिख देते हैं एम आईडी. माई लिखा था ना, तो हम केवल एम आईडी लिख देते हैं. और इसमें हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसमें कर देता हूँ मैं ब्लैक ताकि क्लियर हो सके कि ये दूसरी आईडी हमारी है. ये ब्लैक मैंने कर दिया, ठीक है. और यहां पे जाकर के हमको दूसरे में क्या लिखना है, आईडी और क्या लिखना है, एम आईडी. हाँ, ये नाम जो आप यहां पे लिख रहे हो आईडी के साथ, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए. देखो क्या लिखा है मैंने, एम आईडी, ठीक है. तो यहां पे भी मैंने एम आईडी लिख दिया और फिर मैं इसको रिजल्ट को शो करता हूँ. आप देखो ये एम आई डी ये शो हो चुका है, ठीक है.
अगर मैं इसी चीज को फिर मैं एक को इसमें कॉपी कर दूं तो, और फिर इस वाले को मैं यहाँ कॉपी कर दूं तो आप देखेंगे कि ये सब चेंज हो चुका होगा। ये देखिए ये चेंज हो गए। ठीक है, तो कैसे आपको आईडी यूज करना है अपने वेब पेज में तो आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने स्टाइल लगाया था, ध्यान रखना। क्लास में आप क्या यूज करते हो, डॉट का यूज करते हो, और आईडी के लिए आप हैज यूज करते हो। ठीक है ना, तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। और फिर आप इसको पैराग्राफ में आप यूज करिए, फिर या कुछ टेक्स्ट में लिखिए। अगर कोई, जैसे मान लीजिए मैंने कोई पैराग्राफ ले लिया, और वहाँ भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर मैं पी लिखता हूँ, और सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज ऑफ आईडी इन एचटीएमएल पेज। हो गया, अब मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट बना देता हूँ कॉपी करके, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमारे पास बहुत से टेक्स्ट हो गए। अब इसके अंदर आप वह आईडी आप लगा दीजिए। मैंने आईडी लगा दिया, और फिर जो है इसमें से जो भी, सपोज करिए कि मैं माई आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे, माई आईडी, और मैं इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ। ये देखो, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये एक ब्लॉक बन के हमारे पास आ गया है, एक ब्लॉक जैसे पेज हमारे पास बन के आ गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, तो हमारा ब्लॉक सेट हो गया है। तो आप जैसे भी चाहें, आप जिस पे अप्लाई करना चाहें, पैराग्राफ पे अप्लाई करिए, ठीक है, हेडिंग पे अप्लाई करिए, या जहां भी आप आईडी क्लास जो आपको इजी लगे, और फिर उस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों को आप सीखिए, दोनों जानिए कहाँ पे क्या यूज होता है, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उस प्रैक्टिकल एग्जाम में ये प्रैक्टिकल का पेपर भी आता है, अच्छे मार्क्स होते हैं उसमें, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने ओन वर्ड्स में, आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जरूरत है समझना, सबसे ज़्यादा जरूरत है समझना। जितना ज़्यादा हम समझेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम काम कर पाएंगे वो बेहतर होगा। तो रट्टा टेक्निक को इग्नोर करना है और आपको समझने की कोशिश करना है। जब आप हर एक टॉपिक को समझते जाएंगे और फिर प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर ये मैंने पेस्ट किया था, टेक्स्ट हमारा कुछ ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, तो मैं इसको ऐसे कर रहा था। चलो, तो इसको अलग अलग अगर पैराग्राफ में भी आप कर सकते हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे आप इसको सेट कर सकते थे। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होऊंगा, और फिर मैं आपको कुछ नई चीज़ों के साथ, HTML के कुछ नए एट्रीब्यूट्स के साथ हम बात करेंगे। जैसे HTML की ये जो ट्यूटोरियल समाप्त होगा, फिर हम जो है शुरू करेंगे SQL, शुरू करेंगे PHP, शुरू करेंगे, और सारी चीज़ जो सर्वर साइड लैंग्वेज है उन सब चीज़ों को भी मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करके बताता जाऊंगा। मकसद है आपको सिखाना, मकसद है आपको बेहतर बनाना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।